बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर अंडरस्टैंड कम्युनिकेट इंग्लिश टीचर बाबर हुसैन। टुडे आवर टॉपिक इन लेसन नंबर 24 एरोबैटिक्स। ये फ्लाई करतब की कहानी है। इसमें जंगली प्यारे मुख्तलिफ किस्म के करतब दिखाते हैं और लोग उनसे महसूस भी होते हैं और मैदान जंग में वो अपने आप को दुश्मनों से बचाने में बहुत हद तक मुआवन साबित होते हैं। ये इसका आगाज़ काफ़ी अर्सा पहले हुआ था, लेकिन उसके बाद ये मुसलसल जारी रहे और लोगों ने इसका खूब इस्तेमाल किया, ख़ास तौर पर मैदान जंग में दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए अपने जंगी जानवरों का बेहतरीन इस्तेमाल करना और फिर उनको इस तरीके से फिज़ा में घुमाना, नीचे की तरफ लाना, फिर ऊपर की तरफ ले जाना, फिर मुख्तलिफ किस्म के ट्रिक्स दिखाते हुए दुश्मन को शिकस्त कर देना, ये एरोबैटिक्स है। आज हम इसका ट्रांसलेशन पैराग्राफ पढ़ेंगे, लेकिन पहले इसके वर्ड्स समझने में आपको बता दूँ, ये मैंने बोर्ड पर लिखे हुए हैं। अनयूजुअल, अनकॉमन, थ्रिलिंग, एक्साइटिंग, एमरजेंसी, क्राइसिस, मैनूवर्स, मूवमेंट्स, फेवरेबल, suitable, hurried, quickened, pulls, draws, stalls, stops, spectacular, impressive, perilously, dangerously। अब आपने किताब पर देखना है और ट्रांसलेशन को समझने की कोशिश करनी है। एरोबैटिक्स आल्सो कॉल्ड स्टंट फ्लाइंग, फजाई करतब अजीबोगरीब परवाज के करतब कहलाते हैं। और अनयूजुअल फ्लाइंग मूवमेंट्स, ये गैर मामूली परवाज की वो हरकत हैं डेलिब्रेटली कैरिड आउट बाय एन एयरक्राफ्ट पायलट, जो किसी प्यारे का हवाबाज जानबूझकर करता है। दे मे इन्वॉल्व फ्लाइंग अपसाइड डाउन, वो इसमें अपने परवाज़ को ऊपर नीचे की तरफ शामिल करते हैं। फॉलिंग थ्रू द एयर, हवा में से गिरते हुए, एंड मैनी अदर मूवमेंट्स नॉट इंक्लूडेड इन नॉर्मल फ्लाइट्स, और बहुत सी ऐसी हरकत जो आम परवाज़ों में शामिल नहीं होती। एरोबैटिक्स आर थ्रिलिंग टू वॉच, फिजाई करतब देखने में पुरलुत्फ होते हैं, सनसनीखेज होते हैं, बट दे हैव अ मोर सीरियस पर्पस, लेकिन इनका एक संजीदा मकसद है। एंड ऑल पायलट्स आर टॉट टू प्रैक्टिस दम, और तमाम हवाबाजों को इसकी मशक सिखाई जाती है। फॉर द पायलट ऑफ एन एयरक्राफ्ट मे फाइंड हिमसेल्फ फेस्ड विद एन एमरजेंसी, ताकि हो सकता है किसी प्यारे का हवाबाज अगर अपने आप को किसी मुश्किल सूरत हाल में पाता है, दैट ही कैन डील विद ओनली बाई कैरिंग आउट अनयूजुअल मैनर्स, और इस मुश्किल सूरत हाल से वो ये गैर मामूली करतब करते हुए ही अपने आप को बचा सकता है या सूरत हाल से निमट सकता है। इन बोथ वर्ल्ड वॉर्स, दोनों जंगी अजीम में एयरफोर्स पायलट्स ऑफन यूज एरोबैटिक्स इन बैटल, हवाई फौज के हवाबाज अक्सर फिजाई करतब इस्तेमाल करते थे। दे इनेबल्ड देम टू गेट इनटू अ फेवरेबल पोजीशन, वो अपने आप को एक मुनासिब सूरत हाल में ले आते। व्हेन अटैकिंग, जब हमला हो रहा होता, और टू मेक अ हरिड एस्केप, या जल्दी से बचना हो, इफ कॉट एट अ डिसएडवांटेज, अगर वो बदकिस्मती से पकड़े जाए। सिंगल सीट फाइटर एयरक्राफ्ट, एक निशिस्त वाले जंगी तैयारे, एंड अदर कंपैरेटिवली, और निस्बतन दूसरे स्मॉल मशीन्स, छोटी मशीनें रखने वाले निस्बतन दूसरे, आर स्पेशली सूटेबल फॉर एरोबैटिक्स, खास तौर पर फिजाई करतब के लिए मुनासिब होते हैं। इवन इन द अर्ली डेज, यहाँ तक के पहले दिनों में भी, क्लेवर पायलट्स ट्राइड एरोबैटिक्स, चालाक हवाबाज फिजाई करतब दिखाते थे। Though their machines were not, as powerful and efficient, उनकी
मशीनें इतनी ताकतवर और तेज से काम करने वाली नहीं थी एज द मॉडर्न वंस, जैसे कि जदीद तैयार हो. द फर्स्ट पायलट टू लूप द लूप वॉज अ रशियन, चक्कर पर चक्कर लगाने वाला पहला हवाबाज एक रूसी नोस्ट्रोव था इन 1913 इन द सेम ईयर, इसी साल एडोल्फ पेक्वेट अ फ्रेंचमैन, एक फ्रेंचमैन एडोल्फ पेक्वेट फ्लू हिज मशीन अपसाइड डाउन, उसने अपनी मशीन को ऊपर नीचे उड़ाया. ये दो तीन पैराग्राफ ट्रांसलेशन मैंने आपको पढ़ाई है. इसमें यही बताया गया है कि फ़िज़ाई करतब जो हैं वो दिखाना आसान नहीं है, लेकिन इनकी पहले उन्हें मशक कराई जाती और उसके बाद उनको इसमें माहिर और मशाक बनाया जाता है. इसमें अगर कोई आपको ट्रांसलेशन में या सिनोनिम्स में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. आपका बहुत बहुत शुक्रिया.